फिल्मी दुनिया में फिरोज खान और विनोद खन्ना की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। इनके जीवन में कुछ किस्से सुनाने से पहले मैं बता दूं कि इन दोनों की मौत में वैसे तो सालों का अंतर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ने एक ही तारीख को दुनिया को अलविदा कहा है। फिरोज खान 27 अप्रैल 2009 को इस दुनिया से विदा हुए, तो वही विनोद खन्ना का निधन 27 अप्रैल 2017 को हुआ। इन दोनों दोस्त की मौत की वजह भी एक ही रही, दोनों ही सितारों की कैंसर से मौत हुई थी। फिरोज को लंग कैंसर तो विनोद को ब्लैडर कैंसर था। 1976 में रिलीज हुई शंकर सब्बू में फिरोज खान और विनोद खन्ना साथ नजर आए थे। इसके बाद 1980 में कुर्बानी में भी दोनों साथ नजर आए। यह तो सभी जानते हैं कि विनोद खन्ना जब इंडस्ट्री में कामयाबी की ऊंचाइयों पर थे तो उस समय वो ओशो आश्रम चले गए, जिसके बाद 1986 में बॉलीवुड में वापसी करना चाहते थे। इस समय फिरोज खान ने ही उनकी मदद की और दयावान फिल्म बनाई। कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही काम करके फिरोज खान ने इतना नाम कमाया जिसके लिए कई अभिनेता सालों मेहनत करते रहते हैं। फिरोज खान आखिरी बार फिल्म वेलकम में नजर आए थे। वही विनोद खन्ना ने सुनील दत्त की फिल्म मन के मीत से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। विनोद खन्ना ने अपने कैरियर की शुरुआत विलेन के किरदार से की और बाद में नायक के रूप में स्थापित हुए।